लोकसभा चुनाव में करनाल से नवनियुक्त भाजपा पार्टी के सांसद संजय भाटिया का ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगपतियों ने अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विकास कार्यों की बदौलत विजय हासिल हुई है। उन्होंने करनाल तथा पानीपत की जनता का धन्यवाद भी किया जिन्होंने उन्हें इतना प्यार व आदर सम्मान दिया है। सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट किया जिनकी अथक परिश्रम और मेहनत ने उन्हें विजयी बनाया है। संजय भाटिया ने कहा कि मोदी सरकार देश हित के कार्य कर रही है और हम सबको मिलकर आपस में यही कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी को देश की सभी जनता ने जात पात से ऊपर उठकर वोट दिया है। इस अवसर पर सांसद ने उद्योग क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में उद्योगपतियों को आश्वासन दिया जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के पानीपत क्षेत्र में हजारों करोड़ का व्यापार होता है और हमारी सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का समाधान हो। इस अवसर पर परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि सांसद संजय भाटिया को भारी वोटों से जिताकर करनाल लोकसभा की जनता ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जनता का आभार प्रकट किया और आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि संजय भाटिया पिछले कई वर्षों से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और उनकी साफ छवि के कारण जीत हुई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नौकरियों में पारदर्शिता लाकर एक ईमानदार सरकार देने का काम किया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 80 से ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। एसोसिएशन के प्रधान विनोद धमीजा ने कहा कि नवनियुक्त सांसद संजय भाटिया का स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि सांसद को हम अपनी समस्याओं को लेकर तथा अन्य कुछ मांगे रखी गई हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रधान प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर, तरुण गांधी, सुरेंद्र मित्तल, गौरव भाटिया, संदीप खेर, नवीन भाटिया, अनिल मदान, पार्षद अश्विनी ढींगरा तथा सरदार भूपेंद्र सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। सम्मानित मंच और पानीपत नगर के बहुत ही सम्मानित सभी गणमान्य व्यक्तिगण जो हमारे पानीपत की आप भीड़ की हड्डी है, विदेशों से दोनों जाकर रेवेन्यू ला करके और हरियाणा सरकार में इतना भारी टैक्स देते हैं, हैंडलूम हब है। आप सब लोग हमारे सामने बैठे हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथियों हम आपका बार बार इस बात का धन्यवाद करते हैं कि चुनाव से पहले भी इसी स्थान पर मीटिंग हुई थी और वो चेहरे आज हमारे सामने बैठे हैं। सब ने नगर की तरफ से विशेष तौर से आप उद्योगपति भाई बैठे हैं, दूसरे साथी हैं, सब ने आपको विश्वास दिलाया था आपने कि पानीपत शहर से और जिला से सबसे ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भाई संजय भाटिया को जिताएंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो साथियों आप सबके आशीर्वाद से पूरे देश में भाई संजय भाटिया ने करनाल लोकसभा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और संजय जी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो भी सभी मेंबर पार्लियामेंट के इंट्रोडक्शन के लिए प्रधानमंत्री ने बुलाया ये जानते नहीं थे इनके सामने जो फर्स्ट नंबर गुजरात के वो बैठे थे जब इंट्रोडक्शन हुआ तो एकदम से बताया कि मैं गुजरात से हूं। तो आज हमारी पहचान केवल करनाल लोकसभा का नाम लेते ही संजय भाटिया के पानीपत के करनाल की पहचान साथी हो जाएगी लेकिन इतने भारी बहुमत से जब पूरे पार्लियामेंट में 5 साल लग जाते हैं कोई नया मेंबर जाए 5 साल में कोई पहचान भी तो एक दूसरे की नहीं हो। आज नहीं हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार जी पहुंचे हुए थे
जिलाध्यक्ष प्रमोद विज जी पहुँचे हुए थे और हमारी जो मेयर हैं अवनीत कौर जी वो पहुँचे हुए थे और उनके जो फादर हैं भूपिंदर जी वो एक्स मेयर जो वो पहुँचे हुए। आपको विश्वास है सांसद जो पानीपत से पहली बार बने आपकी समस्या का निवारण कर पाएंगे? बिल्कुल जी, जो जिस तरह से हमारी पब्लिक ने या इंडस्ट्रीज ने उनको प्यार दिया है तो उनको ये आश्वासन जो दिया उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, आज हमारा संजय भाटिया के जो बहुमत से जीते हैं उनका हमारे सभी इंडस्ट्रीज ने जो है ना स्वागत किया है, उसके लिए हमने बुलाया था उसके और कुछ हमारी समस्या थी जो इंडस्ट्री एरिया की थी वो हमने उनके सामने रखी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया बिल्कुल हम उस काम को करेंगे जो भी हमने रखा है और बाकी कुछ हमारी दिक्कतें ऐसी हैं कि जो लिख के हम देंगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पूरा करूँगा।